हैदर मंजिल कराची के मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी नेस्तर पार्क के सामू सिंध के कौमी सियासतदान साई जी एम सैद उन खानदान की तारीखी राजगाह हुई। सोसाइटी 1932 में सेठ तैयब अली कायम कई हुई, जिते सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़न में साहिब वसत शख्सियतन खास कर मुसलमान जमींदार सियासतदान के पंजा रहायशी बंगला ठहराने जो मौको मिलो। सेठ तैयब अली इतने बंगला ठहरा दियण लाए बैंक में कर्ज भी वठा दिनों हो। इतने सर शाहनवाज खान खान बहादुर मोहम्मद अयूब खड़े भी बंगला ठहराया हुआ। कुछ अहम सिंधी आफिसर भी बंगला ठहराया हुआ। सर शाहनवाज खान बहादुर मोहम्मद अयूब खड़े पंजा बंगला अगते हली विकणी छड़ा, पर जी एम सैद पंजे बंगले के हैदर मंजिल जो नालो दई सिंध की सियासत जो मरकज़ बनाया। हैदर मंजिल में विरहांगे का अग ए सिंध जहा मशहूर सियासतदान अदीब दानिश्वर गद थींदा रहा हुआ। पाकिस्तान सिंध के किस्मत जहा फैसला हैदर मंजिल से वेही कया वा हुआ। एंटी वन यूनिट फ्रंट सिंध मुतहदा माज नेशनल अवामी पार्टी जी एस सिंध माज कौमी माज सिंध कौमी इताद सिंध बचाओ कमेटी जजलास हैदर मंजिल में थींदा रहा हुआ। इतने ही सिंध असेंबली के जोड़ तोड़ जहा फैसला थे वन यूनिट मुखालिफ मुआदा थे उन कर हैदर मंजिल के सिंध की सियासी तारीख में अहम हैसियत हासिल रही आई है। साई जी एम सैद जो पोटो सैद जलाल मामू शाह सिंध के बुनियादी मसलन से मुशावरती इजलास गजाणियों हैदर मंजिल से कराइन रो। पर हाँ कुछ महीनों का खबरों फैल त हैदर मंजिल जहाँ सियासी जदोजहद में एक तारीखी विरसो रही है उनके सैद जलाल मामू शाह विकणी छो है। पर सोशल मीडिया से आखिर गाल तमाम हद का मथे हली वही। हैदर मंजिल न पर सैद के फिक्र अदम तशद्दुद के मेसारे वो है, जैखा पे हैदर मंजिल से क्राउन पार्किंग जो बोर्ड लगाया वो उनके बे ढीह से हैदर मंजिल की बिल्डिंग के डायण वो सिलसिलो जारी थी वो। पर गाल अना रुक न सकी है न ही सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैद जलाल मामू शाह इन सजे मामले बाबत पंजो मीडिया एडो को भी मौकुफ़ पेश न किया है।